हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल हूं और मैं आज ये वीडियो शुरू कर रहा हूं आपके सिविल सर्विसेज में एसीएफ वगैरह में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं उसकी तैयारी के लिए। तो हम पहले आज शुरू कर रहे हैं जंतु पोषण। इसमें हम मानव में और कुछ दूसरे जंतुओं में पोषण किस तरह से होता है, वो किस तरह से खाना खाते हैं और किस तरह से उनमें पोषण की पूरी प्रक्रिया चलती है, पाचन और अवशोषण की, इसके बारे में हम अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जैसा आपको पता है कि भोजन हमारे शरीर में क्या क्या करता है, भोजन हमारे शरीर में तीन मुख्य कार्य करता है। एक है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, दूसरा वो हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करता है और तीसरा वो शरीर की वृद्धि कराता है। तो ये मुख्य कार्य हैं जो भोजन के द्वारा किए जाते हैं। सभी जंतुओं को भोजन पादपों से प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे लेना पड़ता है, क्योंकि पादप में ही ये क्षमता होती है कि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कर सकता है। और जंतु अगर शाकाहारी है तो सीधे पादप से प्रत्यक्ष तौर पर भोजन लेता है, और अगर वो मांसाहारी है तो वो दूसरे शाकाहारी जंतुओं को खा के यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पे वो पादपों से ही अपना पोषण प्राप्त करता है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, पोषण की प्रणाली क्या है। पोषण जैसा मैंने कहा दो प्रकार का होता है, एक वो जब वो भोजन स्वयं बना सकता है, जैसे पादपों में क्षमता होती है तो वो स्वपोषी कहलाते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और वे जो पादपों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। तो दो प्रकार के हैं जैसा मैंने कहा, स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी तो प्रकाश संश्लेषण का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम इसमें परपोषी प्रणाली, पोषण प्रणाली को पढ़ने वाले हैं। परपोषी का सीधा मतलब है कि वो या तो पादपों को खाएगा या दूसरे जंतुओं को खाएगा, ये तो एक परपोषी का प्रणाली है ही, लेकिन कुछ जो हैं परजीवी के रूप में भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे बहुत सारे रोगजनक जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कवक हैं, निमेटोड्स हैं, ये हमारे शरीर में या पादपों के शरीर में रहते हैं बाहर में या अंदर में, और उनसे वो पोषण प्राप्त करते हैं और उनमें कोई बीमारी पैदा करते हैं, तो ये भी उनमें परपोषी में ही अंतर्गत उनके आएंगे। ठीक है, तो जो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, हिरण है, गाय है, शेर है, ईस्ट है, और जो पादप हरे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पादप होते हैं जिनका रंग हरा कलर नहीं होता है, मतलब उनमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं है और वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा अमर बेल, जिसको डोटर या कस्क्यूटा भी कहते हैं, वो पीले रंग के धागे धागे जैसे पूरे प्लांट में फैले होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता और उस पादप से भोजन अवशोषित करता है। तो ऐसे पादप भी परपोषी के श्रेणी में आते हैं। अब इनके क्या क्या प्रकार हैं? तो इनके तीन प्रकार हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और पूर्णभोजी। मृतोपजीवी किसको कहेंगे? वे जो मरे हुए सड़े हुए जंतुओं को या पादपों को खाते हैं या उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जब कोई जंतु या पादप मर जाता है तो उसमें बहुत सारे जीवाणु और कवकों की वृद्धि हो जाती है, और ये जीवाणु और कवक जो है उनको सड़ा करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। परजीवी अभी मैंने आपको बताया, जो जीवित जंतुओं के या पादपों के शरीर में रहते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं और उनमें कोई बीमारी पैदा करते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। और पूर्णभोजी या प्राणी सम, जिसको होलोजोइक कहते हैं, वे जो भोजन को सीधे सीधे खाते हैं, जैसे मानव भोजन को खाता है, गाय बैल बकरी ये सब भोजन को सीधे खा जाते हैं, अमीबा भी ऐसा ही करता है, भले ही वो एक कोशिकी जंतु है लेकिन वो भोजन को सीधे सीधे खाता है, तो ऐसे को हम होलोजोइक कहेंगे, ऐसे न्यूट्रिशन को। तो मृतोपजीवी मैंने बताया, इनको हम सैक्रोट्रॉफिक कहते हैं, सैक्रो का मतलब होता है सड़ा हुआ, तो वे जो सड़े हुए यानी कि मरे हुए को सड़ाते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः जीवाणु और कवक, ये दो श्रेणी के जीव इसमें आते हैं। ठीक है, ये अलग बात है
कि कुछ ऐसे पादप भी पाए गए हैं, जैसे कि एक मोनोट्रोपा करके एक पादप है, वो मरे हुए सड़े हुए पे वृद्धि करता है, तो भी मृतोपजीवी के श्रेणी में आता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मरे हुए जंतुओं में, पादपों में ये कुछ एंजाइम्स को स्रावित करते हैं, और वो एंजाइम जो पादप या जंतु के शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये जितने भी कार्बनिक खाद्य पदार्थ हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको ये सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जैसे प्रोटीन को तोड़ते हैं अमीनो अम्लों में, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज यानी मोनोसेक्राइड में, वसा को तोड़ते हैं वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इनमें सब में तोड़ते हैं। अब इनमें तोड़ने के बाद इनकी कुछ मात्रा को तो ये अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी मात्रा है उन कार्बनिक पदार्थों को जो अब सरल हो चुके हैं उनको आगे और ये प्रक्रिया करते हैं और क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इन चीजों में बदल देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो रिसाइकलिंग की प्रक्रिया चल रही है, पुनर्चक्रण की प्रक्रिया चल रही है, इसमें हम क्या करते हैं कि कार्बनिक को अकार्बनिक में, अकार्बनिक को कार्बनिक में बदलते हैं। तो ये काम कार्बनिक को अकार्बनिक में बदलने का काम ये जीवाणु और कवक कर रहे हैं जो कि मृतोपजीवी है। ये लोग जंतुओं में, पादपों में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको पहले सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ते हैं, उसके बाद अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ते हैं, और उनको ये मिला देते हैं जमीन में, मिट्टी में, जिससे वो फिर से पादपों के द्वारा अवशोषण के लायक बन जाते हैं। पादप इनको अवशोषित करते हैं और उनसे वो पुनः प्रकाश संश्लेषण और दूसरी प्रक्रियाओं के द्वारा फिर से वो जटिल कार्बनिक पदार्थ को बनाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम करते हैं मृतोपजीवी, और पुनः उनको कार्बनिक पदार्थ में बदलने का काम करता है पादप, क्योंकि ये क्षमता सिर्फ पादप में होती है और दूसरे किसी में क्षमता नहीं होती है। तो इस तरह से पुनर्चक्रण की प्रक्रिया भी कराने में मृतोपजीवी जो जंतु है, जीव है जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, तो वो ये काम करते हैं। ठीक है, और वो अवशोषित करते भी रहते हैं। परजीवी पोषण, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो जंतुओं के, पादपों के शरीर में निवास करते हैं, ज्यादातर अंदर में निवास करते हैं, कोशिकाओं में और अंगों में निवास करते हैं, कुछ बाहर भी निवास करते हैं, उनको भी आप परजीवी कह सकते हैं। जैसे मच्छर भी एक प्रकार का परजीवी है, ठीक है, या खटमल परजीवी है। तो परजीवों की जो परिभाषा है वो ये है कि वे जीव जो दूसरे जीव में निवास करते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं और उनको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो परजीवी है। लेकिन क्या मानव का भ्रूण अपनी माता के लिए परजीवी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो दोनों एक ही जाति के, एक ही प्रजाति के सदस्य हैं। क्योंकि परजीवी के लिए एक और शर्त यह है कि दोनों की प्रजातियां अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कोई जीवाणु है, कवक है, तो किसी जंतु में, पादप में वो वृद्धि करके परजीवी होते हैं। तो अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी, ये दो श्रेणियों में हम परजीवियों को बांटते हैं। जैसे आप में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया पैरासाइट है, है ना, और ये हमारे शरीर में वृद्धि करके मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। वैसे बहुत सारे कवक हैं जो बहुत सारे चर्म रोग हैं या फेफड़े की बीमारियां हैं, ये सब पैदा करते हैं। जीवाणु है जो बहुत सारी बीमारियां जैसे कि टाइफाइड है, निमोनिया है, टिटनेस है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये पैदा करते हैं। वैसे विषाणु है तो विषाणु बहुत सारे रोग पैदा करते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक आप सुनते हो HIV है जो एड्स पैदा करता है, उसके अलावा पोलियो है, हेपेटाइटिस है ना, और आपका स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है ना, और अभी आपका जो मेन फैला कोरोना वो है। तो ये सभी विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। विषाणुओं को अपने शरीर में वृद्धि करने से रोकना थोड़ा सा ज्यादा कठिन कार्य होता है, इसलिए और दूसरा ये भी है कि विषाणुओं के लिए हमारे पास दवाइयां ज्यादा नहीं है, इसलिए विषाणुओं से होने वाले रोगों को कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पूर्णभोजी, जैसा मैंने कहा प्राणी सम भोजन, ये सीधा सीधा भोजन को खाते हैं,
ठीक है, जैसे हम लोग भोजन को खा लेते हैं, अब खाने के बाद इनका पाचन करना है। तो पाचन का क्या मतलब होता है? पाचन का मतलब होता है जटिल भोज्य पदार्थों को, कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सब मोनोसेक्राइड में, वसा को वसी अम्ल ग्लिसरॉल में, न्यूक्लिक एसिड जितने डीएनए आरएनए हैं उनको भी बदलना न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड में, ये पाचन कहलाता है। पाचन के बाद इसका अवशोषण करना रहता है। तो पाचन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य कोशिकीय पाचन और दूसरा होता है अंतः कोशिकीय पाचन। जैसे हम लोग भोजन खा लेते हैं, वो पहले स्टमक में यानी अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो इन अंगों की कोशिकाएं इनको पचाने वाले एंजाइम्स को स्रावित करते हैं उसके ऊपर, मतलब जैसे स्टमक है तो उसके जो अंदर का जो गुहा है, जो भाग है, उसको स्रावित कर देते हैं, मतलब बाह्य कोशिकीय पाचन करते हैं। फिर जब पचा हुआ होता है उसको ये कोशिकाएं अवशोषित करके ब्लड में और दूसरी कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हमारे में जो पाचन है वो बाह्य कोशिकीय पाचन है, ज्यादातर जंतुओं में बाह्य कोशिकीय पाचन ही होता है। लेकिन आप अमीबा को देखेंगे तो अमीबा क्या करते हैं, वो एक कोशिका का बना हुआ है। वो क्या करेगा, पहले अपने भोजन को खा लेता है, मतलब कोशिका के अंदर ले लेता है, जिसको अपन कोशिका भक्षण कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। और कोशिका के अंदर भोजन को लेने के बाद वो उसमें पाचक एंजाइम स्रावित करके उसके अंदर ही, मतलब लाइसोसोम से जोड़ करके वो कोशिका के अंदर पाचन करता है। तो ये कोशिका के अंदर पाचन कर रहा है, इसलिए अंतः कोशिकीय पाचन है। हम लोग कोशिका के बाहर पाचन करते हैं तो बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, उसी चीज को हम अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर शरीर देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो भोजन को खाते हैं उस प्रक्रिया को अंतः ग्रहण या इंजेशन कहते हैं। फिर उसका पाचन करते हैं, फिर उसको अवशोषित करते हैं। छोटी आंत के द्वारा ज्यादातर भोजन अवशोषित होता है। अवशोषण के बाद वो रक्त में आता है, लिवर में जाता है, फिर रक्त में जाता है, रक्त से शरीर की कोशिकाओं में जाता है। और कोशिकाएं उन्हीं चीजों को, जैसे हमने प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनाया था, उन अमीनो अम्लों को लेकर के फिर से प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन अब ये दोनों प्रोटीन में अंतर है, वो अपने ढंग से बना रहा है, ठीक है। वैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से भी कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, वसा को तोड़ के वसी अम्ल ग्लिसरॉल बना के लिए फिर उसको वसा बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ करके बाकी चीजें बनाया उससे फिर न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, मतलब वो अपने ढंग से बनाता है, बदल के बनाता है। उसको एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेशन मतलब उससे पुनः संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, एसिमिलेशन, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट रहता है जिसको हम नहीं पचा सकते हैं, उसको फिर हम लोग मल पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देते हैं, जिसको एक प्रकार से आप उत्सर्जन कहते हो, लेकिन वो डिफिकेशन है, एक्चुअली पूरी तरह से उत्सर्जन नहीं है, वो डिफिकेशन है, मल त्याग। तो इस टाइप का भोजन करने वाले में मनुष्य है, कुत्ता, भालू, जिराफ, मेढक, ये सभी भोजन करते हैं और सीधे खा लेते हैं। तो खा लेने को हम प्राणी समझने होलोजोई या पूर्ण भोजी हम कहते हैं, ठीक है। ये स्वांगीकरण हिंदी में, वो जो एसिमिलेशन मैंने कहा कि कोशिकाएं दोबारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा बनाते हैं इन्हीं सब पोषक तत्वों से, इस प्रक्रिया को हम एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। और उससे फिर हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं या नई कोशिकाएं बना सकते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया जो आपके शरीर में चल रही है वो सारी चीजें इसमें होने लगती है। अमीबा में देखिए, आपके जो सिलेबस है उसमें अमीबा का पोषण और टिड्डे का पोषण बताया है, पूछा है, तो उसको मैं आपको पहले बता देता हूं। ये अमीबा है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है और ये स्यूडोपोडिया के द्वारा, मतलब जिसको अपन कूटपाद कहते हैं, उसके द्वारा ये गमन करते रहता है। तो जब ये अपने भोजन के संपर्क में आता है तो अपने कूटपाद को उसके चारों तरफ ऐसे 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 करने लगता है, ये वृद्धि करा देता है। फिर इसको घेर करके इसका एक वैक्यूल बना करके, मतलब एक रिक्तिका बना करके अपने कोशिका के अंदर उसको शामिल कर लेता है, कोशिका द्रव्य में ले लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है, कोशिका द्रव्य में लाने के बाद उसका पाचन करने लगता है। पाचन कैसे करेगा, तो इसके साथ लाइसोसोम नाम का एक अंग होता है कोशिका में, हमारी कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में होता है लाइसोसोम, उसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। उन पाचक एंजाइम्स को यह रिक्तिका के अंदर छोड़ देता है जिसमें यह भोज्य पदार्थ है। अभी भोज्य पदार्थ क्या चीज है, हो सकता है छोटे मोटे इसी तरह के और जो बैक्टीरिया है, या बहुत छोटे शैवाल हैं, एक कोशिकीय शैवाल है,
ऐसे बहुत छोटे जीव जंतु, पादप जीवाणु वगैरह हो सकते हैं। उनमें ये लाइसोसोम के साथ जोड़ करके पाचक एंजाइम को इसके अंदर छोड़ देता है, क्योंकि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम भरे होते हैं। अब ये पाचक एंजाइम भोजन का पाचन करता है, पाचन करके उसके पचित पदार्थ को वो अवशोषित कर लेता है, अपने कोशिका द्रव्य में ले लेता है और बचे हुए चीज को ये बाहर फेंक देता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण कहते हैं, ठीक है। और ये प्रक्रियाएं हमारे शरीर में भी चल रही है, इस टाइप की प्रक्रिया हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं, जिसमें मुख्य कोशिका है श्वेत रक्त कण WBC। WBC में दो होते हैं, एक होता है न्यूट्रोफिल और एक होता है मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों भक्षण की क्रिया करते हैं और आने वाले जीवाणु विषाणु को रक्त में से पकड़ पकड़ के खाते हैं और उसको नष्ट करते हैं। ऐसे और भी कोशिकाएं हैं, जैसे दिमाग में माइक्रोबियल सेल है, लंग में डस्ट सेल है, लिवर में कुफर सेल है और दूसरे जो कनेक्टिव टिश्यू है उनमें हिस्टोसाइट सेल्स हैं, जो ये सब काम करते हैं और भक्षण की प्रक्रिया द्वारा आपके जीवाणु विषाणुओं को नष्ट करते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये अमीबा है, जैसा मैंने कहा, देखिए सब चीज हम लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप अगर ज्वाइन करते हो तो हम आपको ये नोट्स दे देंगे, ये लिखे हुए का PDF दे देंगे, आप उसको पढ़िएगा और ये वीडियो देख के आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये टिड्डा है, टिड्डे का भी दिया हुआ है आपके में, टिड्डा आप सब जानते हैं, ये देख करके आपको समझ में भी आ रहा है ग्राफों पर। ये एक शाकाहारी प्राणी है और पेड़ पौधों की पत्तियों को काट काट के खाता है और अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसका जो पाचन तंत्र है, इसमें देखिए कि सबसे पहले एक मुख है, उसके बाद एक छोटा सा इसोफेगस बोलते हैं इसको, इसोफेगस मतलब ग्रास नली, ग्रास नली बोलते हैं। तो मुख में इसके पत्तियों को चबाने काटने के लिए मैंडिबल्स होते हैं, मैंडिबल्स दांत जैसे मैंडिबल, उसको चबाते हैं, चबा के निगल लेते हैं, निगलते हैं तो इसोफेगस यानी ग्रास नली के द्वारा ये यहां पर एक अंग है क्रॉप, इसमें ये पहुंचता है। क्रॉप क्या करता है, उस भोजन को ठीक से पीसता है, क्योंकि जब ये खाया है उस समय सिर्फ टुकड़े करके निकल लिया है, उसको चबाया नहीं है, तो उसको ठीक से ये पीसता है और पीसने के बाद इसमें कुछ पाचक रस को स्रावित करवाता है। अब पाचक रस कहां से आते हैं, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर सफेद सफेद जैसे उंगली जैसी जो संरचनाएं बनी हुई है, इनको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिकी या हिपेटिक सिकी, इसी को कहते हैं हिपेटिक सिकी। ये जो है उंगली जैसी संरचनाएं हैं, पाचक ग्रंथि है और ये पाचक रस को स्रावित करता है। तो पाचक रस को क्रॉप के अंदर ही स्रावित कर देता है भोजन में और भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते स्टमक के आते आते वो भोजन पूरी तरह से पच भी जाता है और जो पचित पदार्थ है वो इन भागों में अवशोषित भी होने लगते हैं और अवशोषित होके वो रक्त में पहुंच जाता है, फिर वो अपना काम करने लगता है, जो भी काम जैसे हम लोगों में करता है वैसा। और उसके बाद ये फिर आगे चल के ये जो नली आपको दिख रही है ये बड़ी आंत में यानी कि रेक्टम में जाके खत्म होती है और आगे एनस होता है, एनस में क्लोएका बोलते हैं, क्लोएका होती है और एनस जैसा गुदा द्वार जैसा उसमें मल पदार्थ को बाहर कर देता है। तो ये एक शाकाहारी प्राणी है, इसलिए इसका जो पाचन तंत्र है वो शाकाहार को पचाने के लिए है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ये स्टमक है जहां पर भोजन का मुख्यतः अवशोषण हो जाएगा, ये क्रॉप है जहां पर भोजन को पीसा जाता है, उसमें पाचक रस स्रावित किया जाता है और पाचक रस जो है ये डाइजेस्टिव सिकी या हिपेटिक सिकी के द्वारा स्रावित किया जाता है और फिर पाचन होने के बाद स्टमक तक जाकर के पचित पदार्थ का अवशोषण हो जाता है और जो बची हुई चीजें हैं वो रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाती है, मलाशय बोलते हैं, हमारे भी मलाशय है, उसमें मल पदार्थ जाकर के फिर बाहर चला जाता है। तो इस तरह से ये बना हुआ है टिड्डे में पाचन तंत्र। तो मेरे हिसाब से आप अच्छे समझ गए होंगे, इसे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो दिया है सिलेबस में हम उतना ही पढ़े तो ठीक है, ठीक है। अब मानव का पाचन तंत्र कैसा बना हुआ है, हमने सारे भागों को यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी पढ़ने के लिए आपको नोट्स मिल जाएगा।
देखिए, हमारा जो पाचन तंत्र है ये मुख गुहा से शुरू होता है। तो सबसे पहले तो ये मुख है, दो होठों से घिरा हुआ मुख, जो कि एक दरार है, एक छिद्र है, उसके अंदर आते हैं तो मुख गुहा होती है। मुख गुहा में दांत है, ऊपर का छत है जिसको हम तालू या पैलेट कहते हैं, और नीचे जीभ है, जिह्वा। तो जो दांत है हम लोगों में वो चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर मतलब कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो हम लोगों में चूंकि चार प्रकार के दांत हैं, इसलिए हम लोग विषम दंती प्राणी हैं। हम लोगों में दांत दो बार उगते हैं, इसलिए हम लोग द्विबार दंती हैं। और हमारे दांत ऐसे जबड़े के गड्ढे में फिट किए हुए हैं, इसलिए हम लोग गर्त दंती हैं। विषम दंती, द्विबार दंती और गर्त दंती। आप इसको बार बार चला के देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। जो हमारी तालू है, छत है, हाँ एक चीज और पहले बता देता हूं मैं कि ये दांत क्या क्या काम करते हैं। जो हमारे सामने के चपटे दांत हैं, ऊपर के चार और नीचे के चार, ये चार चपटे दांत ये कहलाते हैं इंसाइजर, मतलब कृंतक। ये किसी भी भोज्य पदार्थ को ऐसे काटने का काम करते हैं, मतलब चाबने का काम करते हैं, चाप के उसको अलग कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं कटिंग टीथ। उसके बाद चारों में, चार के बाद इधर इधर एक एक जो है ऊपर नीचे, यानी चार टोटल चार, ये होते हैं केनाइन, जिसको अपन रदनक कहते हैं। ये हम लोगों में ज्यादा विकसित नहीं है, ये नुकीले और विकसित हो जाते हैं मांसाहारी प्राणियों में, और वो इसके द्वारा मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, शेर है, चीते, भालू, ये जो मांस खाते हैं ये लोग उसको चीरते हैं। हम लोग चूंकि मांस को ऐसे चीर के नहीं खाते हैं, कच्चे मांस को, इसलिए हम लोगों में ये अधिक विकसित नहीं है। ये उन जंतुओं में ज्यादा विकसित होता है जो मांस को चीर फाड़ के खाते हैं, जो मांसाहारी प्राणी है। उसके बाद ऊपर दो, नीचे दो, इधर भी, यानी दो 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 ऐसे, ये होते हैं प्रीमोलर, जिसको अग्रचवर्णक कहते हैं। और फिर तीन 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 चारों कोणों में ये होते हैं चवर्णक, यानी कि मोलर। तो ये जो अग्रचवर्णक दो और तीन चवर्णक, ये पांचों जो हैं, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, ये क्रशिंग टीथ है। हालांकि जो तीसरा वाला चवर्णक है वो 18 साल के बाद आता है, इसलिए उसको विस्डम टीथ या अक्लदाण कहते हैं। मतलब 17 साल तक के लड़के में वो नहीं दिखेगा, तो उनमें पूरे 32 दांत नहीं होते हैं, उनमें 28 दांत होते हैं। और जो दूध के दांत हैं 20, जो सबसे पहले आते हैं वो 20 होते हैं, 20। उनमें तो प्रीमोलर ही नहीं होता, मोलर होता है बस। तो उनके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ने की यहां पर फिलहाल अभी नहीं है, मैं पहले पार्ट बता देता हूं, फिर हम उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो मुख में दांत है, उसके बाद है तालू, ऊपर छत, जिसको हम तालू कहते हैं। अब ये तालू है ना, ये दो भाग में बटा हुआ है। आगे का भाग जो जीभ का ऐसे ऊपर उठा के ऐसे आप महसूस करिए, तो आगे वाला भाग जो है हार्ड होता है, कठोर, इसको कठोर तालू कहते हैं, पैलेट। और थोड़ा पीछे जीभ को घुमाएंगे तो आपको कोमल तालू महसूस होगा, कोमल तालू। और ये जो कोमल तालू है ये जो है नीचे पीछे की साइड में ऐसे उतर आता है नीचे की तरफ, और उसे हम कहते हैं कौवा, युगला, युगला कहते हैं उसको। तो खाना खाते समय ऐसे पीछे उठ जाता है, नाक में भोजन को जाने से रोकता है, उसके लिए काम होता है। तो ये तालू हो गया, कठोर तालू और कोमल तालू। नीचे अपन आते हैं तो जीभ मिलता है, जीभ। जीभ के बहुत सारे कार्य हैं, इसमें हड्डियां नहीं होती, सिर्फ मांसल होता है, मतलब मसल्स का, पेशियों का बना हुआ। और ये वॉलंट्री है, मतलब कि ऐच्छिक पेशी, जिसको आप जैसा चाहो घुमा सकते हो। जीभ क्या करता है? एक तो जीभ आपको स्वाद का भास कराता है ना, जीभ में मीठे के, खट्टे के, कड़वे के और भी दूसरे स्वाद का निकाय होती है।
जो आपको स्वाद का आभास कराती है। साथ में ये हमको बोलने में मदद करती है, क्योंकि गले से जो आवाज निकलती है वो बोली के रूप में नहीं निकलती, वो सिर्फ एक घो घो की आवाज निकलती है बस, और उसको बोली में बदलता है जीभ, और जीभ की मदद करता है दांत। जब आप बोलते हो तो हमारे सामने के दांत में बार बार ऐसी जीभ टकराता है जिससे आपकी बोली क्लियर निकलती है। अगर सामने के दांत टूट जाते हैं तो जीभ को टकराने के लिए मिलता है रोकने के लिए, तो आवाज क्लियर नहीं आती, तुतलाहट हो जाती है। इसीलिए जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ पाती, या थूक छिटकता है, ये भी एक साथ में होता है। ठीक है, अब देखिए कि जीभ एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो हमारे भोजन को दांतों के बीच में से रोल करता है। जब हम दांतों से भोजन को चबाते रहते हैं तो भोजन को ऐसे अदला बदली करते रहता है ताकि सारा भोजन पीस जाए, नहीं तो फिर जहां पर जितना भोजन आया बस उतना ही पीसते रह जाएगा दांत। तो भोजन को रोल करने का काम भी करता है जीभ, और साथ में जो लार है उसको भी वो मिलाने का काम करता है लार को, और फिर निकलने में मदद करता है, क्योंकि ऐसे मोड़ करके भोजन को ऐसे बोलस के रूप में निकलने में मदद करता है। तो इस तरह से हमारे मुख गुहा में ये सब अंग शामिल हैं। अब मुख गुहा के बाद जो अंग आता है उसको हम कहते हैं ग्रसनी, यानी कि फैरिक्स, जिसके द्वारा भोजन को निकलते हो। ऐसे भोजन निकलते हो थोड़ी ताकत लगती है, आप थूक निकल के देखो ना, थोड़ी ताकत महसूस करो, तो जो ताकत लगता है ना वो लगता है फैरिक्स के द्वारा, जिसको हम कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, तो यहां पर वो फैरिक्स है ग्रसनी, ठीक है, गले में जहां से आप निकलते हैं। अब भोजन जो है पहुंचा ग्रास नली में, जिसको हम ग्रसिका भी कहते हैं, ग्रसिका या ग्रास नली, इंग्लिश में इसको इसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस में पहुंचता है। अब इसोफेगस से, इसोफेगस को सिर्फ इतना काम है कि भोजन को वो अमाशय में पहुंचाता है, ये अमाशय है, इसमें पहुंचाता है, पहुंचाता है, भोजन गिरता नहीं है। ठीक है कि गुरुत्वाकर्षण उसको गिराने में मदद करता है, लेकिन असल में हमारे आहार नाल में एक प्रकार की ऐसे गति चलते रहती है जो भोजन को आगे बढ़ाती है, उस गति को हम कहते हैं क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, जिससे भोजन आगे बढ़ता है। मतलब आप सीधे खड़े होकर बैठ के खाना खा रहे हो, नीचे उतर रहा है, आप उल्टा लटक जाइए, उल्टा लटक के भोजन करिए, तब भी भोजन चढ़ के अमाशय में और फिर आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है क्रमानुकुंचन गति, ये काम करता है भोजन को आगे बढ़ाने का। तो इस ईसोफेगस का, ग्रसिका का एक ही कार्य है, वो भोजन को अमाशय में आपके पहुंचाता है। उसके बाद ये अमाशय है, आप देख सकते हैं, इस अमाशय के भी तीन भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पायलोरिक, तीन भाग होते हैं। तो ये कार्डियक है, फिर फंडिक है ज्यादातर हिस्सा, फिर ये पायलोरिक है, तीन भाग होता है, इसको भी हम आगे एक और चित्र में देखेंगे। उसके बाद आप देखिए अमाशय के बाद छोटी आंत शुरू होती है, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत है। तो आप समझिए कि छोटी आंत ज्यादा लंबी है और बड़ी आंत कम लंबी है, फिर हम ऐसा नाम क्यों दिए, क्योंकि छोटी आंत ज्यादा लंबी तो है लेकिन संकरी है, मतलब पतली है, और बड़ी आंत भले ही कम लंबी है लेकिन वो चौड़ी है। यहां पर आप देखिए ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो तो ये छोटी आंत है, ठीक है, और ये जो बीच में ऐसे क्वाइल टाइप को दिख रहा है ये पूरे छोटे आंत का ही पार्ट है, और इसके चारों तरफ ये जो एक चौड़ा सा ट्यूब जाता हुआ दिख रहा है ये बड़ी आंत है। उसी से आप कल्पना कर सकते हो, देख सकते हो कि छोटी आंत जो है कम चौड़ी है बड़ी आंत की तुलना में, इसलिए कम चौड़ी होने के कारण से उसका नाम छोटी आंत रखा गया है। छोटी आंत में तीन भाग होते हैं, एक होता है ड्यूओडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। तो ये वाला जो पार्ट है ऐसे सी के आकार का मुड़ा हुआ हिस्सा, ये कहलाता है ड्यूओडेनम, जिसको हम हिंदी में ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी। उसके बाद के बाकी दो हिस्से हैं वो पूरा इसमें ऐसे क्वाइल करके बीच में रखा हुआ है, जो करीब 5 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं, 6 मीटर से लंबे हो सकते हैं, इतना लंबा नली सिर्फ बीच में रखा है क्वाइल में। तो ड्यूओडेनम यानी ग्रहणी के बाद का जो हिस्सा है जेजुनम और इलियम,
जिनको अपन अग्र छूत्रांक और पार्श्व छूत्रांक यानी ये छूत्रांक। देखिए ग्रहणी को ड्यूडिनम, अग्र छूत्रांक है इसको जेजुनम और इसको छूत्रांत या पश्च छूत्रांत को अपन इलियम कहते हैं, आई एल ई यू एम ये कहते हैं, और ग्रहणी को ड्यूडिनम कहते हैं ये इंग्लिश में। तो ग्रहणी, अग्र छूत्रांत और छूत्रांत, ये तीन भाग में छूत्रांत यानी छोटी आंत बनी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद आता है बृहद आंत यानी कि बड़ी आंत, ये देखिए बृहद आंत। बृहदांत्र के तीन भाग हैं, सीकम कोलन रेक्टम। बृहदांत्र के बड़ी आंत के तीन भाग, सीकम कोलन रेक्टम, जरा ध्यान से देखिए। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है थोड़ा खुला हुआ भाग, इसको हम कहते हैं सीकम, या इसी को हम कहते हैं अंधनाल, अंधनाल सीकम, ठीक है। और इससे एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना भी जुड़ी हुई है, इसके हम कहते हैं कृमि रूप परिशोषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम आप सुनते हैं कि मुझे अपेंडिक्स हो गया, उसको अपेंडिक्स हो गया, ऐसा बोलते हैं लोग। तो होता यह है कि असल में ये जो अंधनाल यानी सीकम और कृमि रूप परिशोषिका यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये दोनों हमारे शरीर में अवशेषी अंग है। वे अंग जो पहले कभी हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, कार्य करते थे, जो आज हमारे शरीर में अधिक क्रियाशील नहीं है, ज्यादा काम नहीं करते हैं, उन अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अवशेषी अंग, 180 के आसपास है टोटल, ये दोनों भी उसमें शामिल है। तो असल में पहले ये क्या करते थे, पहले ये अंधनाल जो था सीकम, ये भोजन में आए हुए सेलुलोज को पचाता था। इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते थे जो सेलुलोज को पचाने वाले सेलुलेज एंजाइम को स्रावित करते थे। फिर हमारे पूर्वजों ने घास फूस खाना बंद कर दिया और वो ऐसा भोजन लेने लग गए जिसमें सेलुलोज की मात्रा कम होती चली गई। जैसे हमने अनाज खाना शुरू कर दिया, अनाज में सेलुलोज नहीं होता, उसमें स्टार्च होता है। आज के डेट में हम लोग सेलुलोज वाली चीजें करीब करीब नहीं खाते, थोड़े बहुत जो हरी सब्जियां खाते हैं उनमें थोड़ी बहुत सेलुलोज जाती है, उतने को नहीं पचाता हमारा शरीर। और ज्यादा जो भाग है दाल चावल, जो चावल है, रोटी है, ये सब खाते हुआ उसमें स्टार्च है, इसलिए हमारा शरीर अब स्टार्च को पचाने के लिए बन गया है, सेलुलोज को नहीं पचा सकता। लेकिन आज भी वे जानवर, वे पशु जो घास फूस खाते हैं, जैसे गाय है, बैल है, बकरी है, भेड़ है, घोड़ा है, गधा है, इनमें आज भी ये सीकम यानी अंधनाल विकसित है। उनके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव जीवाणु पाए जाते हैं और वो आज भी सेलुलेज एंजाइम को स्रावित करके सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है, जिसको वो पचा करके वो अपना ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, हम लोग नहीं पचा सकते। दूसरा है ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूपी परिशोषिका, ये उंगली जैसी एक संरचना है जो पहले हम लोगों में ज्यादा क्रियाशील था और भोजन में आए हुए जीवाणु विषाणु को मारने के लिए ये WBC लिम्फोसाइट बनाता था। क्योंकि पहले हमारे पूर्वज सीधे सीधे बिना पकाए, बिना धोए सीधे सीधे भोजन खाते थे, तो उसमें ज्यादा जीवाणु विषाणु पहुंचते थे, तो उनको नष्ट करने के लिए ज्यादा विकसित था ये, जैसे कि दूसरे जानवरों में आज विकसित है। हम लोगों में ये अब अवशेषी हो गया है, ज्यादा कार्य नहीं करता, ये लशिकाभ अंग है। लशिकाभ का मतलब लसिका अंग है जो ये सब काम कर सकता है, भोजन में आए हुए या जीवाणु विषाणु को नष्ट कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें इंफेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, और संक्रमण के फलस्वरूप इसमें सूजन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। मुझे अपेंडिक्स हो गया है बोल देते हैं लोग, तो वो अपेंडिसाइटिस है, जिससे यहां पर दर्द होता है, और दर्द होता है तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑपरेशन से काट के निकाल देता है। अगर आप होम्योपैथी में जाते हैं तो आपको बिना काटे ही धीरे धीरे ठीक करता है। तो इस तरह से आप इसमें कार्य कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी पढ़ते हैं अपन अभी। अब देखिए
तो पहला पार्ट हुआ वो हुआ अंधनाल और कृमि रूप परिशोषिका। अब इसका अगला भाग जो है जो यहां से शुरू होता है और ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये ऐसे आगे बढ़ के ये यहां पर जाके खत्म होता है, समझ रहे हैं? इसको हम कहते हैं कोलन। कोलन जिसको यहां पर अलग से कोई नाम नहीं लिखा है, बृहदान्त्र बृहदान्त्र लिख दिया है। तो एक्चुअली बृहदान्त्र में तो तीन भाग है, सीकम कोलन रेक्टम, तो इसको हम कोलन कहते हैं। अब कोलन के भी भाग देख सकते हैं अपन कि कोलन का वो भाग जो ऐसे करके इधर ऊपर उठ रहा है इसको हम लोग आरोही कहते हैं। आरोही मतलब ऊपर उठने वाला। फिर ऐसा साइड में ऐसा गया है, तो ऐसा साइड में गया है तो इसको हम अनुप्रस्थ कहते हैं। अनुप्रस्थ मतलब ऐसे ऐसे जाना, ऐसे सीधा जाना, ऐसे अनुप्रस्थ कहते हैं। फिर नीचे थोड़ा सा जाता है तो इसको हम अवरोही कहते हैं। अवरोही मतलब नीचे जाना। फिर थोड़ा सा ऐसे एस आकार टाइप का बन जाता है, ऐसे करके एस जैसा बन जाता है, ऐसे करके एस जैसा ऐसा थोड़ा सा बन जाता है। तो उस एस जैसे आकार वाले भाग को हम सिग्मोफ कहते हैं, सिग्मोइड, सिग्मोफ। तो ऊपर आया अवरोही, साइड में गया अनुप्रस्थ, नीचे गया सॉरी ऊपर आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, सिग्मोफ। ये चार भाग में हम इसको बांट सकते हैं कोलन। और उसके बाद एक भाग होता है मलाशय। यहां पर है मलाशय। तो भोजन जो है अमाशय में छोटी आंत में पूरा पच जाता है। अब पचे हुए चीजों को हम अवशोषित कर लेते हैं छोटी आंत के द्वारा, और जो बचा हुआ मल पदार्थ है वो फिर बड़ी आंत में आता है। उसमें फिर सब कुछ पच चुका है, जो बच सकता था अपने पचेगा। तो ये बड़ी आंत क्या करता है? बड़ी आंत में सीकम का काम मैंने बताया कि दूसरे जानवरों में वो सेलुलोज को पचाता है, हम लोगों में नहीं पचाता। लेकिन कोलन का एक मुख्य कार्य है कि जो मल पदार्थ है उसमें से जल को अवशोषित करके रक्त में लेता है, क्योंकि अभी उसमें जल की बहुत ज्यादा मात्रा है, कुछ खनिज लवण की मात्रा है, उनको भी अवशोषित करता है। तो जो मल पदार्थ है पहले एकदम द्रव जैसा रहता है, कोलन से धीरे धीरे गुजरने के बाद वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जो आपका मल पास होता है वो ऐसा हो जाता है। फिर जैसे ही वो मलाशय में पहुंचता है तो आपको मल 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 त्याग करने की इच्छा होती है, प्रेशर बनता है और आप जाकर के मल त्याग कर देते हो, ठीक है? अब यहां पर और भी कई चीजें हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है ये लीवर है, ये देखिए लीवर जिसको हम यकृत कहते हैं। यकृत के दो भाग होते हैं, फिर एक दायां भाग होता है जो थोड़ा बड़ा होता है और एक बायां भाग होता है जो थोड़ा छोटा होता है। दायां और बायां दो भाग होता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ पित्ताशय है। अब इनसे निकला हुआ जो बाइल डक्ट है वो यहां पर खुलेगा छोटी आंत में, और उसी के साथ खुलता है अग्नाशय की नली, ये अग्नाशय है। पैंक्रियास, पैंक्रियास कहां पर लगा हुआ है? ये छोटी आंत में जो पहला पार्ट हमने देखा था ग्रहणी, इसके जो सी आकार की दो भुजाएं हैं इसके ठीक बीच में ये लगा हुआ है अग्नाशय, और यहीं पर इसी के ऊपर ये लीवर लगा हुआ है। अब इन दोनों की नलिकाएं पहले एक साथ जुड़ करके, यानी ये अग्नाशय की नली और लीवर की नली एक साथ जुड़ करके पहले छोटी आंत में खुलते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर वो अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि पैंक्रियाटिक रस यानी कि अग्नाशयी रस और लीवर का पित्त रस, लीवर से पित्त रस आता है, गॉल ब्लैडर में भरा रहता है बन बन करके वो आता है। तो भोजन का पाचन होता है। इसके अलावा और जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो है लार ग्रंथि। तो ये जो लार ग्रंथियां हैं ये हम लोगों में तीन जोड़े होते हैं। एक हमारे कान के ठीक पास में यहां पर होता है, इनको हम कहते हैं पैरोटिड, यानी कर्ण पूर्व ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। एक जोड़ा ये निचले जबड़े के ठीक नीचे होता है यहां पर, इसको हम लोग कहते हैं सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, ठीक है? अधो जंब, अधो जंब एक जोड़ा होता है, और एक जोड़ा जीभ के नीचे होता है ये, इसको सब लिंगुअल या अधो जीवा कहते हैं, अधो जीवा ग्रंथियां। तो तीन जोड़े लार ग्रंथियां हैं,
जिसमें सबसे बड़ा यही है कान के पास वाला, लेकिन सबसे ज्यादा ये जबड़े के नीचे वाला करता है काम, ठीक है, ज्यादा लाल ग्रंथियां लार को बनाती हैं, नलिकाओं के द्वारा हमारे मुख गुहा में लार को छोड़ती हैं। लार जो है पाचन में भी मदद करता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, स्टार्च को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं टाइलिन, या उसी को कहते हैं सेलाइवरी एमाइलेज, वो हमारे स्टार्च को पचा सकता है। और साथ में एक दूसरा एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम, जो भोजन में आए हुए जीवाणु विषाणु को कुछ हद तक खत्म करता है। ये काम हमारे लार ग्रंथि का है, लार ग्रंथि काम करता है। तो ओवरऑल आपने अपना पाचन तंत्र समझ लिया। ये सबसे नीचे गुदा द्वार है, गुदा द्वार में एक प्रकार की पेशी लगी होती है जिसको अपन कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल मसल, स्फिंक्टर मसल, जो ऐसे ऐसे बंद कर सकता है, ऐसे खोल सकता है। तो जब मल पदार्थ पास होता है तो ऐसे खुल जाता है, फिर मल पदार्थ पास होने के बाद ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे करके वो मल पदार्थ को पास करता है। तो ये ओवरऑल आपने हमारे पाचन तंत्र को समझ लिया। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे मैंने कहा दांत, कि दांत आप देख रहे हैं कैसे कैसे बने हुए हैं, और ये हमारे जबड़े में इस तरह के सॉकेट होते हैं जिनमें ये फिट होते हैं, जिनको अपन हनु ग्रंथिकाएं कहते हैं, यानी कि एल्वियोलस कहते हैं, हनु ग्रंथिकाएं, जिसमें दांत ऐसे घुसे रहते हैं। और दांत का जो भाग इसमें अंदर घुसा रहता है, प्रवेश किया रहता है, उसको हम लोग कहते हैं रूट, रूट कहते हैं। तो देखिए जबड़े में, तो ये जो है चार यहां पर सामने की ओर रहेंगे चपटे दांत, इनको हम लोग कहते हैं कृंता, यानी कि इंसाइजर, जैसे चाटने के लिए, काटने के लिए काम करता है। फिर रत्ना के थोड़े से हल्के से नुकीले हैं, हम लोगों में ज्यादा नुकीला नहीं है, दूसरे जानवर में नुकीला है, चीरने का काम करता है। उसके बाद दो है अग्रचवर्णा और तीन है चवर्णा, एक एक साइड में ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो गर्त दंती है, विषम दंती है और द्विवार दंती है, क्योंकि दो बार दांत उगते हैं, एक बार दूध के दांत उगते हैं, फिर दूसरे बार स्थाई दांत उगते हैं, इसलिए 32 ही तोड़ दूंगा बोलते हैं, 32 दांत होते हैं दोबारा, ठीक है। तो इनमें हमारे में जो दंत सूत्र होता है, दंत सूत्र जो है 2-1-2-3 और 2-1-2-3 ऐसे ऊपर नीचे लिखते हैं। इसका मतलब समझे क्या होता है, देखिए पहले तो ये समझिए कि ऊपरी जबड़ा है या निचला जबड़ा है, ये भाग नहीं किया हुआ है, ऊपरी जबड़ा निचला जबड़ा, और भी आधे आधे हिस्से को लेते हैं, आधे हिस्से, इसलिए गुणित दो करना पड़ेगा, ऊपर को नीचे को। तो ये देख सकते हैं कि ये जो दो लिखा है ये आधे हिस्से में दो कृंतक है, देखिए एक और एक दो आधे हिस्से में, वैसे आधे हिस्से में इधर भी होगा ना, ध्यान रखें। तो दो कृंतक है वो ये लिखा है ना, तो दो कृंतक है ये लिख दिया हमने। फिर ये तीसरा दांत है ये रत्नक है, एक है तो ये हमने एक लिख दिया। फिर दो प्रीमोलर है यानी कि अग्र चवर्णक है, इसको हम दो लिख दिए। फिर तीन चवर्णक है, इसको हमने तीन लिख दिया, ठीक। तो ऊपर के आधे जबड़े, नीचे के आधे जबड़े को हमने लिखा है। तो इसमें कितने दांत हुए, देखिए 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8 दांत हुए, तो 8 ऊपर हुए, 8 नीचे हुए आधे आधे हिस्से में। तो गुणित दो करोगे तो ये 16 दांत ऊपर हो जाएंगे, 16 दांत नीचे हो जाएंगे, तो 32 दांत आपके हो गए, ठीक है, 32 दांत हो गया। तो ये आपकी स्थाई दांत का है। ऐसे आप दूध के दांत का लिखते हो तो दूध के दांत का क्या लिखते हैं पता है, 2-1-0-2 और 2-1-0-2, क्योंकि वहां पर अग्र चवर्णक नहीं है और चवर्णक सिर्फ दो है, ऐसा है। तो 2, 1, 3, 2, 5, ठीक है, नीचे भी 5 गुणित दो तो हो गया 10 और 10 तो हो गया 20। तो दूध के दांत होते हैं 20, 20, ठीक है। तो ये दांत है। जीभ के बारे में हमने बात किया, जीभ जो है नीचे
हमारा जो मुख गुहा है उसके नीचे चिपका हुआ है। उसको चिपकाने के लिए वहां पर एक झिल्ली जैसी संरचना होती है, उसको हम फ्रेनुलम कहते हैं। फ्रेनुलम के द्वारा जीभ हमारे मुख गुहा में चिपका हुआ है। और जीभ के ऊपर जैसे आप ये जीभ देखेंगे तो इसकी सतह में आपको छोटे छोटे ऐसे उभार दिखेंगे, मतलब महसूस होंगे। देखोगे तो लेंस में देखना पड़े, तब जीभ को छुओगे तो खुरदुरापन लगता है। देख लो खुरदुरापन क्यों है, क्योंकि उसमें पैपिली नाम के छोटे छोटे उभार है, उससे जीभ जो है खुरदुरा हो जाता है और भोजन फिसल करके पीछे नहीं चला जाता है, रोके रहता है। और दूसरा उसी में स्वाद कलिकाएं भी होती है, जो मीठे खट्टे कड़वे जो भी है नमकीन, उन सब को आपको महसूस कराते हैं, तो स्वाद कलिकाएं होती है। और जो छोटे छोटे उभार है वो पैपिली कहलाते हैं। ठीक है, ये अमाशय है। जैसा मैंने अमाशय के बारे में आपको बताया था कि भोजन मुख गुहा से ग्रसनी के द्वारा अंदर दे दिए जाते हैं फेरिस के द्वारा, फिर ग्रास नली यानी ग्रसिका के द्वारा वो नीचे पहुंचते हैं अमाशय में। तो ये ग्रसिका आया हुआ है मुख गुहा से और ये अमाशय है। तो अमाशय के तीन मुख्य भाग हैं। एक तो है कार्डियक, जिसको जठरागम कहते हैं। जठरागम मतलब ये वाला हिस्सा जो है, इतना हिस्सा जठरागम है यानी कार्डियक पार्ट है। एक बड़ा हिस्सा जो है यहां से लेके यहां तक, ये दूसरा हिस्सा है जिसको हम फंडस कहते हैं, जिसकी मेन बॉडी कहलाती है, यही बॉडी कहलाती है। फंडस वाला जो मेन हिस्सा है वही बॉडी है। फिर तीसरा जो पार्ट है जो यहां से शुरू हो रहा है, ये पूरा पार्ट, ये जठर निगम निर्गम, मतलब अमाशय। देखिए जठर आगमन का मतलब क्या हुआ यहां पर, जठर में जठर मतलब अमाशय में प्रवेश हुआ, तो जठरागम कार्डियक फंडिक, फिर पायलोरिक, पायलोरिक जठर निर्गम, क्योंकि वहां से अमाशय से बाहर चला जाएगा भोजन। तो ये तीन मुख्य भागों का आप बॉडी को शामिल करेंगे तो फंडस का ही पार्ट है एक्चुअली बॉडी, आप उसको लिख सकते हो उसमें। ठीक है, तो चार भाग आप कह सकते हैं, जठरागम फंडस बॉडी और जठर निगम, चार भाग आप मान के चलिए। और ये जो ग्रसिका है यहां पर जब खुलता है तो यहां पर भी एक संकुचनशील पेशी पाई जाती है, उसको हम कार्डियक इंस्फिक्टर कहते हैं। जठर आगम संकुचनशील पेशी कहते हैं, कार्डियक इंस्फिक्टर, जो भोजन को इस दिशा में तो आने देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता। हम लोग नहीं ले सकते भोजन को वापस, हाँ उल्टी के समय ये खुलता है तो वापस जा सकता है। तो भोजन आता है तो खुल जाता है, अंदर चला जाता है भोजन, फिर वापस जाने नहीं देता, बंद कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका अमाशय। ठीक है, अब बाकी भाग यहां पर देख सकते हैं अमाशय के बाद, और थोड़ा सा बड़ा फोटो बना हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये छोटी आपका पहला पार्ट, ये ग्रहणी है, फिर दो बड़े मतलब पार्ट जो मिलकर एक क्वायल बनाए हुए हैं, जिनको अग्र क्षुद्रांत यानी जेजुअम और क्षुद्रांत यानी कि इलियम कहते हैं। फिर यहाँ पर सीकम है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जिसको अपन अंधनाल और कृमि रूप कोशिका, और फिर यहाँ से जो है कोलन चालू होता है जिनको आरोही अनुप्रस्थ अवरोही और सिग्मॉइड कोलन कहते हैं या बृहदान्त्र कहते हैं। उसके बाद मलाशय है और गुदाद्वार है। तो इन सब संरचनाओं को मैंने आपको बता दिया, ये सब चीज लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आहार नाल की दीवाल है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये आहार नाल है सपोज, ठीक है ये आहार नाल है, तो आहार नाल की जो दीवाल है इसमें कौन कौन सा स्तर है इसको भी थोड़ा जानना चाहिए वैसे तो हमको, हालांकि ये आपके सिलेबस का ज्यादा हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, कभी पूछ दिया तो आप मुश्किल फंस जाएंगे। तो सबसे बाहर जो स्तर होता है इसको हम सिरोसा कहते हैं, ये एक झिल्ली नुमा संरचना है। इसके बाद पेशियां होती है, दो प्रकार की पेशियां होती है, एक होती है वर्तुल और एक होती है अनुदैर्ध्य पेशी। ये पेशियां आहार नाल में क्रमानुकुंचन गति पैदा करते हैं जिससे वो सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, भोजन को आगे बढ़ाता है, तो पेशियों का कार्य है। उसके बाद सब म्यूकोशा और म्यूकोशा,
तो सब म्यूकोसा जो है सामान्यतः ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक का बना होता है, और जो म्यूकोसा है ये एपिथेलियल म्यूकस लेयर का बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर फिर ये गुहा है जिसमें भोजन आके पड़ रहा है, ल्यूमेन गुहा, ल्यूमेन यानी गुहा जिसमें भोजन जाता है, तो ये उसकी दीवार की संरचना है। तो इसमें जो पेशियां हैं वो यहाँ पर क्रमानुकुंचन गति कराने के लिए मदद करती है। ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब एक और चीज जो यहाँ पर जानिए कि जब हम छोटी आंत में जाते हैं तो उसमें सूक्ष्मांकुर होते हैं, सूक्ष्मांकुर, ये सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं, कोशिकाओं के ऊपर छोटी छोटी उंगलियों की जैसी संरचनाएं होती है जो भोजन के अवशोषण सतह को अत्यधिक बढ़ा देते हैं, और भोजन अवशोषित होकर फिर रक्त में जाता है इस तरह से, तो वो सूक्ष्मांकुर है। तो अवशोषण क्यों, क्योंकि हम भोजन को जब पचाते हैं इनमें सब में अमाशय छोटी आंत में भोजन पच जाता है, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड में, वसा जो है वसी अम्ल क्रिस्टोल में, न्यूक्लिक अम्ल उसके कंटेंट में, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में टूट जाते हैं, उनको अवशोषित करना है, तो बहुत ज्यादा मटेरियल है बहुत ज्यादा अवशोषण करना है, तो अवशोषण की सतह को बढ़ाना है, अवशोषण की सतह को बढ़ा करके अपन ये कर सकते हैं काम, ठीक है। तो वो काम विलाई माइक्रोविलाई करते हैं, ये विलाई माइक्रोविलाई देख सकते हैं। तो ये आंत्र की सतह है जिसमें इस तरह से उंगली जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं, इनके अंदर रक्त वाहिनियां और लसिका वाहिनियां जा रही हैं। ये जो लाल रंग में गई है ये प्रवेश करी है, ये धमनियां है जो रक्त के अंदर गई है सूक्ष्मांकुर के, और जो नीले रंग में दिख रही है ये रक्त को लेकर बाहर आती है, ये शिरा है। तो भोजन का अधिकांश हिस्सा जो है इसी में अवशोषित होकर रक्त में जाता है, और ये पीले रंग की जो एक आपको ऑर्डर नहीं दिख रही है इसको हम लसिका लसिका वाहिनी कहते हैं, लसिका वाहिनी, इसी को लैक्टियल कहते हैं, देखो लैक्टियल लिखा है लैक्टियल। तो जो वसा और उसकी जो चीजें अवशोषित होती हैं वसी अम्ल क्रिस्टल वो लैक्टियल में जाती है, ये लसिका वाहिनी है, लसिका होगी इसका, और बाकी रक्त वाहिनी है, तो बाकी जो चीजें हैं अवशोषित होकर रक्त में जाती है, ऐसा है। तो ये हमारे आंत्र की संरचना है जिसमें सूक्ष्मांकुर आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भोजन है वो इनके द्वारा अवशोषित होती है आंत्र के द्वारा, और अवशोषित होकर वो लिवर में जाती है रक्त के द्वारा लिवर में। एक सिस्टम होता है जिसको हम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम या यकृत निवाहिका सिरा तंत्र बोलते हैं, उसके द्वारा लिवर में जाती है भोजन। लिवर क्या करता है, अधिकांश भोज्य पदार्थों को अपने में रोक लेता है और उनको वो धीरे धीरे फिर रक्त में छोड़ता है, ताकि रक्त में 24 घंटे वो बराबर मात्रा में पहुंचता रहे, धीरे धीरे पहुंचता रहे। फिर जो कोशिकाएं हैं ना इसी रक्त से भोजन को अवशोषित करती है और फिर से अपने लिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा ये सब चीजें बनाती है और ऊर्जा के लिए भी प्रयोग करती है। तो एक सिस्टम के तहत काम होता है हमारे शरीर में, बिल्कुल ये सब चीज है जो हमने पढ़ा वही चीज लिखा हुआ है। अब ये कुछ पाचक ग्रंथियों के बारे में अलग से बता रहा है, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे में तीन जोड़े लाल ग्रंथि हैं, कान के पास है, इसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, है ना, कर्ण पूर्व ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि। उसके बाद ये जो जबड़े हैं इसके नीचे पाए जाते हैं जिसको सब मैंडिबुलर कहते हैं, एक जोड़ा जबड़े के नीचे, सब मैंडिबुलर यानी अधोजब लाल ग्रंथि, और एक जोड़ा जीभ के नीचे है इसको अधोजीव्या या सब लिंगुअल सेलारी ग्लैंड कहते हैं, और ये लार का श्रावण करते हैं नलिकाओं के द्वारा, वो मुख गुहा में लार को भेजते हैं, ठीक है। यकृत के बारे में हम बात कर रहे थे, यकृत हमारे में करीब 1.5 किलो का एक अंग है, लेकिन ये बच्चे से लेकर बड़े तक साइज उसके हिसाब से छोटा बड़ा होगा, और बड़ों में भी या बच्चों में भी कम हेल्दी है, ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा
शरीर है बड़ा है छोटा है उसके हिसाब से भी लीवर छोटा बड़ा होता है। ठीक है, लीवर के दो भाग हैं, एक दाया भाग जिसको राइट लोब कहते हैं, दाया पाली, और एक बाया पाली। दो भाग होते हैं, दाया पाली बड़ा होता है, यहां पर होता है बिल्कुल लीवर। ठीक है, लीवर से जो नलिकाएं निकलती हैं अंदर से, जो पित्त रस को लेकर निकलती है, क्योंकि लीवर का एक मुख्य काम है पित्त रस बनाना, तो लीवर अंदर से नलिकाएं बाहर निकलती हैं, उनको हम कहते हैं हिपेटिक डक्ट, पित्त नलिका। ठीक है, फिर एक चीज वहां से जुड़ जाती है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये देखिए, ये लीवर से नलिकाएं निकली, इनको हमने कहा हिपेटिक डक्ट, राइट वाला और लेफ्ट वाला हिपेटिक डक्ट। फिर इस नली से कॉमन नली जुड़ गई, मतलब दोनों जुड़ करके इसको अपन कॉमन हिपेटिक डक्ट, राइट और लेफ्ट के बाद कॉमन हो गया दोनों। अब इसमें रास्ते में मिलता है ये गॉल ब्लैडर जो लीवर के बाहर है, पित्ताशय, और पित्ताशय इसी डक्ट से जुड़ जाता है। ये डक्ट जो है इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक नली पर, जिसके द्वारा ये हिपेटिक डक्ट से जुड़ जाता है, और हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जुड़ के यहां पर बाइल डक्ट बनता है। बाइल डक्ट, बाइल डक्ट यानी पित्त वाहिनी नलिका बनता है, कोलेडोकस डक्ट भी कहते हैं इसे, कोलेडोकस। तो क्या क्या हुआ, हिपेटिक डक्ट दो निकले, राइट और लेफ्ट दोनों जुड़ करके बनाए कॉमन हिपेटिक डक्ट, उससे जुड़ गया सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर का है, फिर नीचे गया बाइल डक्ट यानी कि पित्त वाहिनी नलिका जिसको कोलेडोकस डक्ट कहते हैं, और वो छोटी आंख में खुली थी। ये लीवर की आंतरिक संरचना है, ये आपके कोर्स में नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। लीवर छोटे छोटे हिस्सों का बना होता है जिसको अपन ग्लिशन कैप्सूल कहते हैं। ये ग्लिशन कैप्सूल की संरचना है जिसमें लीवर की कोशिकाएं ऐसे लंबे लंबे लड़ियों में दिख रही हैं। इन कोशिकाओं को अपन हिपेटिक कोशिकाएं कहते हैं, लड़ियों को हिपेटिक कार्ड्स कहते हैं। इनके अंदर बीच बीच में कुछ स्पेशल कोशिकाएं और पाई जाती हैं, इनको कुप्फर सेल कहते हैं। कुप्फर सेल वही है जो भक्षण की क्रिया करते हैं, जीवाणु विषाणु को खाने का काम करते हैं और खा करके उनको बचाने का काम करते हैं। ठीक है, और बीच में एक सेंट्रल वेन है, और इन बाकी जगहों में भी, इन सभी जगहों पे और इसमें भी रक्त भरी होती है, रक्त। तो लीवर रक्त के संग्रहण का भी थोड़ा कार्य करता है, और साथ में और भी बहुत सारे कार्य करता है लीवर। तो लीवर की एक संरचना है, अंदर के भाग है। ये देखिए यहां पर, अब हम आपको ये यहां पर लीवर था, आपको ध्यान होगा ये लीवर वाला भाग होगा, और ये गॉल ब्लैडर है देखिए, है ना, जो अभी मैंने दिखाया था वही। तो लीवर से देखिए हिपेटिक डक्ट आए और गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट जुड़ के ये कॉमन बाइल डक्ट बनाया। देखिए मूल पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट बन गया, मूल मुख्य बाइल डक्ट बन गया। ये छोटी आंत का सी आकार वाला भाग है जिसको हमने ग्रहणी या ड्यूओडेनम कहा था, और इसके बीच में देखिए ये पैंक्रियास लगा हुआ या नाशय, ठीक है ना, कौन सा भाग है ये मैं दिखा देता हूं एक बार। हम इस वाले भाग को पढ़ रहे हैं, इतने भाग को पढ़ रहे हैं, इतने भाग को ये, ठीक है, कि लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ये पैंक्रियास है, ये सब भाग को हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ये देखिए ये लिवर है, इससे नीचे जो आया ये वाला हिस्सा जो है ये आपको यहां पर दिख रहा है। ये देखिए ये गॉल ब्लैडर है, ये पित्त वाहिनी नलिकाएं हैं, हिपेटिक डक्ट, ये सब जुड़ करके यहाँ पर बाइल डक्ट बने हैं, और ये अग्नाशय है, अग्नाशय रस लेकर के ये नली आई, देखिए अग्नाशय रस और ये पित्त रस लेके, तो दोनों पहले एक हो जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चेंबर जैसा होता है एक होने के लिए, उसे हम कहते हैं एम्पुली ऑफ वेटर, एम्पुली ऑफ वेटर। फिर वहां से एक नली निकल करके ये छोटी आंत में खुलती है, जो पित्त रस को और अग्नाशय रस को लेकर के छोटी आंत में पहुंचती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये अग्नाशय का की संरचना है, ये भी कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं पूछेगा अग्नाशय की संरचना कैसी है। अग्नाशय एक्चुअली दो भागों का बना होता है, एक जो अग्नाशय रस स्रावित करता है जो छोटी आंत में भेजता है और पाचन की क्रिया करता है, ये बहिर्श्रावी भाग है जो 99% भाग का बना है।
और अग्नाशय का दूसरा भाग जो होता है वो कुछ हार्मोन्स को बनाता है, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, इन सब हार्मोन्स को बनाने वाला दूसरा भाग होता है। तो उसी को हम हार्मोन बनाने वाले भाग को आईलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं, जिसमें बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं ये सब पाई जाती है। अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका इंसुलिन को स्रावित करती है। तो अग्नाशय के लैंगरहंस की द्वीपिकाएं जो कि अंतःस्रावी भाग है, हार्मोन स्रावित करती है, उसमें बीटा कोशिकाएं हैं, ये इंसुलिन बनाती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकता है। और बाकी जो ये कोशिकाएं दिख रही है ये बहिर्स्रावी भाग है जो अग्नाशय रस को बनाते हैं, जो पाचन की क्रिया को करते हैं। ठीक है, अब एक भोजन का पाचन कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये एक वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।